जाएगी और कोई जी शिकायत उनके खिलाफ पाई जाती है किसी भी प्रकार की, तो अगर उनके अंतिम स्थिति में अगर बुलडोजर भी चलाना पड़े उनके घर पे, जी अगर कोई इस तरह का वो कांड करते हैं या कारनामा करते हैं, तो बख्शेंगे नहीं। तो छात्रों को सुरक्षा देना और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य करना है, इस कार्य को अगर इस तरह से तूल दिया जाएगी, पहले ड्रेस कोड को लेकर, ड्रेस कोड जो छात्र जब एक साथ पढ़ेंगे, और ये भारत देश है, भारत देश विविधताओं में एकता का देश है, यहाँ व्यक्ति सहिष्णु होता है, सभी धर्मों को मानने का और स्वीकार करने का भी एक एक संवेदनशील रवैया रहता है। अब आप सूर्य नमस्कार को लेके विवाद कर रहे हैं जबकि कोई छात्रों की कोई संस्था नहीं है, कोई मुस्लिम फोरम जो है रजिस्टर्ड नहीं है, और आपने याचिका लगा दी, याचिका लगाने के बाद आपको जब उसको खारिज कर दी गई, तो ये एहसास हुआ कि हम किस स्टैंड पे जा रहे हैं। ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो बनाया गया है, समझता हूँ कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, जिन जी मुद्दों पे छात्रों का भविष्य है और छात्रियों को भविष्य जो है टिका हुआ है। अगर वो योग करते हैं तो योग करना कोई बुरी बात नहीं है, योग को तो कम से कम ये देखिए कि 180 देशों ने स्वीकार किया है, और आप सूर्य नमस्कार एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। अब कल आप मान लो कि मुस्लिम समाज में अगर नमाज अदा करते हैं तो उस तरह से अपन बैठते हैं तो उसको वज्रासन भी कहा जाता है, पर आप वज्रासन बैठ के अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की श्रेणी में आता है, और अगर आप इस तरह से किसी की आरती पूजा कर रहे हैं तब तो समझ में आता है कोई चीज़ कि आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आप एक्सरसाइज के रूप में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कोई मंत्रों का कोई जाप, कोई उच्चारण, कोई पाठ वाठ हो रहा हो तो समझ में भी आए कि आप मुस्लिम समाज के छात्रों की जो है वो धार्मिक जो है भावना है वो आहत हो रही है। इसको एक जबरदस्ती तूल देने का ऐसे विवाद दिया गया है, तो यहाँ जहाँ तक समझते हैं कि ये विवाद का विषय नहीं है, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास का ठीक है विषय है। तो इसमें चाहे छात्र सभी जो साथ हैं उनको ये करना, इसमें किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं है। ठीक है विकास जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन सारस्वत जी भी जुड़ चुके हैं, AIMIM महासचिव काशिफ जुबैरी जो कि याचिकाकर्ता भी है वो भी जुड़ चुके हैं, और विहिप के नेता अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आचार्य डॉक्टर अमित व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं नितिन सरस्वत जी आपसे जानना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत आखिर क्यों होने लग गई है? नितिन सरस्वत जी प्लीज खुद को कि अनम्यूट कीजिए। सूर्य भगवान की आराधना सूर्य नमस्कार है ही नहीं, ये ना तो हमारे ऋग्वेद में, पतंजलि में, नाथ परंपरा में, बुद्ध जैन परंपरा, शिव संहिता, सूर्य नमस्कार जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तो ये एक बाद में आया हुआ शब्द है और जो कि योग के अंदर है। पहली बात तो जिन्होंने भी कहा कि सूर्य भगवान की आराधना को रोक रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल क्लियरिटी करना चाहता हूँ। जो भी आपने बयान सुनाया था उन्होंने एकदम बिल्कुल गलत कहा, और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल जो तथ्य और तर्क है उनसे परे है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की जितने भी हमारे पड़ोस में सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, वहां कहीं पे भी सूर्य नमस्कार कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन भाजपा यहाँ पे क्या कर रही है कि सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर रही है। मैं कह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार अगर एक योग है तो उसको योगासन नाम दे देते। मैं तो दोनों तरफ, चाहे मुस्लिम उलेमाएं जो विरोध कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, और एक तरफ जो बीजेपी वाले हैं जो उसको अनिवार्य बनाने में, मैं तो दोनों तरफ तो विरोध करना चाहता हूं कि ये बच्चों का होना चाहिए, ये ऐच्छिक होना चाहिए। जैसे भाजपा ने अन्य प्रदेशों के अंदर ये बना रखा है कि ये ऐच्छिक है, बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है या नहीं करना, अगर ये है तो ये ऐच्छिक होना चाहिए, और अगर किसी को सूर्य नमस्कार से आपत्ति, आप बात करके उसको योगा नाम दे देते, आपको तो पहले भी पता है। और जिस तरीके से मदन दिलावर जी लगातार बयान दे रहे हैं, अभी आज हम किसान आंदोलन की चर्चा नहीं कर रहे जो कि इस देश में इस समय सबसे प्रासंगिक मुद्दा है, इन्हीं मदन दिलावर जी ने किसानों के लिए कहा था कि ये बिरयानी और ये खाके मौज मनाने आ रहे हैं और ये बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, और उन्हें अपराधी और जाने क्या क्या नहीं कहा था, और बाद में हालांकि उनको विड्रॉ करना पड़ा था। तो ये मदन दिलावर जी का हमेशा हो रहा है। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले अकबर को बलात्कार ही बताया, और जब हमने पूछा कि उस समय उनके तो मिर्जा मान सिंह उनके सेनापति थे, तो क्या मिर्जा मान सिंह के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? नितिन जी आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। नितिन जी नहीं, हमारा आज का मुद्दा सूर्य नमस्कार है सर। नहीं, तो इनके बयानों का मुद्दा है ना, उसमें मिर्जा मान सिंह के बारे में ये मदन दिलावर जी भाग गए थे, और किसानों का मुद्दा बहुत प्रासंगिक है जिनके लिए उन्होंने कहा था। तो मैंने ये कहा है कि अगर एक शिक्षा मंत्री होके ये कहते हैं साल 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 कोठरी में चले जाओ, ठीक है अमितोष जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है नितिन जी, अमितोष जी बात कीजिए ना, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ना कहीं पे या ऋग्वेद में है ना पतंजलि में है ना किसी परंपरा में, ये आराधना जैसी चीज नहीं है। सूर्य नमस्कार से होता है, सूर्य के समान ऊर्जा आती है, इसलिए यह कहा गया है।
जो राजस्थान कभी पंचायतों का अधिकार देने वाला, आरटीआई देने वाला, लोक सुनवाई का अधिकार देना, राइट टू हेल्थ लेने वाला, आज वो बीजेपी किस चीज की प्रयोगशाला बनाना चाहता है ये देखना चाहिए। ये एक विधान, एक संविधान की बात करते हैं, लेकिन पड़ोस में किसी भी राज्य में ये अनिवार्य नहीं है, सब जगह ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ठीक है, विकास चाहे मुस्लिम पक्ष से और चाहे इधर से, ये दोनों तरफ से जो थोपा जा रहा है, मैं दोनों ही लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं ये बच्चों का है, अगर उनके स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये बच्चों को डिसाइड करना चाहिए। और जैसे बीजेपी ने हर स्टेट में एससी बना रखा है, राजस्थान में भी इसको एससी बनाना चाहिए। ठीक है, अमितोष जी का रुख करना चाहूंगी। अमितोष जी, आप क्या कहेंगे सूर्य नमस्कार को लेकर? अब सियासत तेज हो रही है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी जो वक्तव्य मेरे सम्मानित और मेरे मित्र नितिन जी ने दिया, उनके वक्तव्य में कितनी उत्साहिता दिखी मुझे, जब उन्होंने अकबर को जब बलात्कारी बता दिया गया था उस पे उन्होंने आपत्ति जताने का। नहीं, आपत्ति नहीं करी, मैंने कहा बलात्कार। नितिन जी, मैंने आपको समय दिया सर। नितिन जी, आपके पास भी आऊंगी सर। नितिन जी, नितिन जी सर, एक एक करके बोलते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। नितिन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा मानसिंह क्या है, आज अमितोष बता दे, जो उनके सेनापति। ठीक है नितिन जी, ठीक है, हमने सुना सर, ठीक है। नहीं था तो मिर्जा मानसिंह क्या है और दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना रहा, बता दीजिए। ठीक है, वो बदबूल उन करीब डिबेट खराब कर रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे सर, मेरी डिबेट में एक एक करके बोलिए प्लीज। नितिन जी, मैंने आपको समय दिया, मैं आपके पास लौटूंगी। अमितोष जी प्लीज अपनी बात रुकिए। जब एक इंडियन न्यूज के माध्यम से हर जना इस डिबेट को देख रहा है तो मैं क्लियर करता हूँ, ऋग्वेद अथर्ववेद और इन सब से अलग जाके मैं एक बात रखता हूँ आपके माध्यम से, वो ये है कि सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य नमस्कार एक योगिक चीज है। और मैं आपको क्लियर बताऊं, ये ऐच्छिक अधिकार नहीं है। ऐच्छिक अधिकार तो तब भी था जब एक बच्चा तिलक लगा के स्कूल में जाता था उसको निकाल दिया जाता था। ऐच्छिक का अधिकार तब भी था जब एक महिला मेहंदी लगा के जाती थी उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। ऐच्छिक का अधिकार तब भी था जब वंदे मातरम की जय नहीं कर, भारत माता जय नहीं कहते थे और वंदे मातरम नहीं गाते थे और विजय मैनुअल केस के अंदर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था। ऐच्छिक का अधिकार नहीं है, एक यौगिक प्रैक्टिस है। और ये मैं मेरे माध्यम से नहीं बोल रहा, अगर आज मैं मेरे माध्यम से बोलूंगा तो इनको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सनातन के बारे में सुनना चाहते नहीं है। मैं आपको दूसरी तरफ से लेके जाता हूँ, एक बुक लिखी थी अल योगा वल तनफू, और उस बुक को लिखने वाला एक हिंदू नहीं था, मोहम्मद अब्द अल फता फहीम। उसके पेज नंबर 19 पे क्या लिखा है सुनिए, ये योगिक प्रैक्टिस है ना। और जो इस्लाम से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, रिलीजन से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, उनको मैं बताता हूँ आपके माध्यम से, योगा इज अ सेक्रेड इंडियन लैंग्वेज, यूनियन एंड कॉन्टेक्ट विद गॉड हेल्प्स मैन टू अटेन नॉलेज एंड विजडम। ये योगा के लिए अल योगा वल तनफू में लिखा गया, किसी इस्लामिक लिटरेचर में लिखा ना ये, हिंदुत्व सनातन और अथर्ववेद और ऋग्वेद का जो आप वर्णन देते हो उन्हें तो नहीं लिखा था ये। दूसरी बात, अल मुजम अल फलसफी लिखने वाला जामिल सुलियाबा क्या लिखता है कि योगा इज नॉट ए स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट, रादर इट इज एन आर्टिस्टिक वे ऑफ सेम एक्सरसाइज रिलीजेस द सोल फ्रॉम ए फिजिकल एंड मेंटल ग्रेविटी। ये लिखने वाले इस्लामिक लिटरेचर के लोग थे जिन्होंने योगा को एक स्थान दिया। अब आप बात करते जब इसको रिलीजन से जोड़ेंगे तो देखिए मौलाना ने क्या कहा, एक शाही क्लरिक थे, शिया क्लरिक, क्या कहते हैं कि योगा और सूर्य नमस्कार ये दोनों एक प्रैक्टिस है जिसे करनी चाहिए, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी हिंदू ने तो नहीं कहा, क्लरिक ने कहा ना, शिया क्लरिक ने कहा ना, पर उसको आप अपोज कर रहे हैं। ये आपकी मानसिकता बताती है, जिनको मंदिरों में बलात्कार होते हुए दिखता है उनको सूर्य नमस्कार भी अथर और दिखेंगे, वो एक सूर्य को नमस्कार नहीं। अच्छा, आप कुरान पे, जब मैं हदीस पे जाता हूँ तो हदीस में क्या कर, मैं एक रेफरेंस देकर अपनी बात खत्म करता हूँ, शाही बुखारी वॉल्यूम 18 नंबर 152, और मैं कोट करता हूँ इब्न उमर, उन्होंने क्या कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अल्लाह के साइन है, तो अल्लाह की इबादत कर लीजिए, पर ये रिलीजन नहीं है, ये योगिक प्रैक्टिस है। और इस योगिक प्रैक्टिस को हर जने को अपनाना चाहिए और उसी में उसकी भलाई है, अच्छी का अधिकार नहीं है। इसको सेक्युलरिज्म और रिलीजन से ना तोला जाए, इसको एक एक्सरसाइज से लिया जाए, तो योगा से लिया जाए। ठीक है, काशिफ जी कुछ कहना चाह रहे थे। काशिफ जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मुसलमानों की ओर से सूर्य नमस्कार को बॉयकॉट क्यों किया गया? पहले तो मैम, इन भाई साहब ने एक हदीस का कोड किया है कि माफी चाहूंगा, मैं आपका नाम नहीं जानता, इन्होंने हदीस का कोड किया है कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की क्रिएशन है, बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन मैं इनको कुरान की एक आयत बता देता हूँ, सूरह लुकमान की, जिसके अंदर सूरह लुकमान के अंदर लुकमान जो है वो अपने अपने बेटे से कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप चांद सूरज तारे की इबादत नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिएटर की इबादत नहीं करते, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। कल को आप कहेंगे कि पेट्रोल मुझे जल्दी गाड़ी चलाकर घर ले जाता है तो पेट्रोल की भी इबादत करूंगा, हम नहीं करेंगे पेट्रोल की इबादत। आप कहेंगे गाड़ी मुझे ऑफिस ले जाती है, मैं गाड़ी की इबादत करूंगा, हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात के सूर्य नमस्कार, तो सूर्य और नमस्कार देखिए, सूर्य को ऋग्वेद के अंदर, भाई साहब ऋग्वेद का भी जिक्र कर रहे थे, सूक्त 50 के अंदर सूर्य को भगवान के तौर पर, देवता के तौर पर ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। ठीक है, ठीक है। और उसके जब हम नमस्कार को डिफाइन करेंगे, संस्कृत का एक शब्द है नमस्कार, जब हम इसको करेंगे तो नमन करना इसका मकसद होता है। और तीसरी बात, सूर्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी को विष्णु पुराण के अंदर और कई पुराण मार्कंडेय पुराण के अंदर सूर्य सप्तमी को सूरज का जन्म दिवस बताया गया है। तो अब एक बात बताइए मुझे कि आप अगर इसको योगा अभ्यास कह रहे हैं, चलिए आप ये बताइए कि स्कूल के अंदर आपको अगर ये कराना था तो आप इसको फिजिकल एक्टिविटीज के नाम से क्यों लेकर नहीं आए, जबकि आप 2015 के अंदर डिबेट करके गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट से, सिर्फ आपको वोटिंग एक्सरसाइज ही तो है। ठीक है, काशिप जी बात करिए, एक एक करके बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ भी नहीं सर। अमितोष जी मैं आऊंगी सर आपके पास, धार्मिक मामलों में अनुचित। काशिप जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ बिल्कुल, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा विरोध इस चीज का है कि आप इसको एक्सिट कर दीजिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है, और जो विजय का ये जजमेंट का ये हवाला दे रहे थे उसके एक रेफरेंस तो उन्होंने दे दी, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि यकीनन आपका मौलिक अधिकार, आप किसी भी धर्म को मानना आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का इंफ्रिंचमेंट करेंगे। और वहीं विजय के अंदर ये भी कहा गया कि आप किसी धर्म के लिए, किसी आस्था के लिए क्या सोचते हैं, या आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, वो उसके लिए क्या सोचता है ये मायने रखता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा विरोध सूर्य नमस्कार को लेकर है, आप इसको एथिक कर दे, जिसको जो करना है वो करे, जिसको नहीं करना नहीं करे, क्योंकि आर्टिकल 25 मेरे पास है, ये मैं तय करूंगा कि मेरा राज्य कैसा, मेरा राज्य मेरा मित्र रहेगा या मेरा राज्य मेरा पूज्य रहेगा, ये मैं तय करूंगा, सरकारें तय नहीं कर सकती। लेकिन हाईकोर्ट से आपको बड़ा झटका लगा है काशिप जी, उसके बाद भी आपकी ओर से अपील की गई है। मुझे कोई झटका नहीं लगा है, मैं अलग से याचिका करता था, मेरी याचिका की 20 तारीख को सुनवाई। मैं काउंटर करना चाहता हूं। ठीक है, अब सूर्य नमस्कार को लेकर उपजा विभाग, ठीक है, जलाल सरकार के साथ अमितोष जी बड़ी मुसीबत खड़ी कही है। मैं काउंटर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम धर्म नहीं है, मजहब है, और धर्म बहुत अलग चीज है जिसको आप मान नहीं रहे, और धर्म का ही एक पार्ट है योगा, जो कि आपको विजडम की तरफ लेके जाता है, जो कि आप ही के स्कॉलर्स ने और आप ही के हदीस ने भी कहा है। तो मतलब आप हदीस को अपोज करते हैं तो हदीस कुरान से निकली, आप उसको भी अपोज करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 25 कह के या मिसगाइड मत करिए, क्योंकि आपकी मोनोटोनस अप्रोच रही है। आर्टिकल 25 प्रैक्टिस प्रोफेस और प्रोपोगेट रिलीजन की बात करता है, उसमें कन्वर्जन की बात को लेके क्या क्या है, किसी भी और चीज को लेके क्या गया कि आप किसी को अगर किसी धर्म की तरफ लेके जाते हैं, रिलीजन की तरफ ना कि धर्म की तरफ, तो ही आप उसमें आर्टिकल 25 लाएंगे। ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, सिंबॉलिक जेस्टर है, किसी की आराधना नहीं है, अपितु आपके विजडम को, मेंटल नॉलेज को। अगर आप मेंटल नॉलेज में नहीं जाना चाहते, आप फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि ये जो युवा है ये विजडम की ओर बढ़े, तो फिर आप सोचिए कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर अमित, ठीक है मैं आऊंगी सर आपके पास, डॉक्टर अमित का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अमित, मैं चाहूंगी कि आप सूर्य नमस्कार का महत्व बताएं, क्या महत्व है सूर्य नमस्कार का? देखिए मैडम, ऐसा है कि इन सब लोगों की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है। जो ग्रह पूरे विश्व में, पूरे अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए है, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है, तब तक हम ऊष्मा ऊर्जा के बारे में बात नहीं करते हैं कभी। अब बात करते हैं कि सूर्य सप्तमी का जो त्योहार है, जो कि हिंदू धर्म के द्वारा कल मनाया जाना प्रस्तावित है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूं कि बेवकूफी वाली बात है। चाहे वो योग की बात हो, हदीस की बात हो, या हिंदू धर्म के अंदर किसी भी ग्रंथ के बारे में बात हो, मेरा यह मानना है बीइंग ए ज्योतिषी, सूर्य जो है हमारे शरीर में एक आत्मा कारक ग्रह है, जब तक सूर्य हमारे जीवन में रहेगा तब तक हमारा शरीर जो है वो चलायमान रहेगा। रही बात चंद्रमा की, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारे शरीर की अंदर जो ताकत है उसको किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करना है उसके बारे में हमको गाइडलाइन देता है।
अब सूर्य सप्तमी का जो त्योहार है जो कि कल मनाया जाना प्रस्तावित है, जी वो इसलिए है क्योंकि जब सूर्य कुंभ राशि के अंदर प्रयास करने के लिए प्रयासरत होते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन जब कुंभ राशि में होता है, जबकि शनि की राशि होती है, शनि जो है वो ताप का कारक होता है और सूर्य जो है वो अति ताप का कारक होता है। सूर्य जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर चलायमान बनने की स्थिति होती है। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तब तक हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो धर्म की हो, उपनिषद की बात हो, चाहे वो कुरान की बात हो, चाहे किसी और अन्य धर्म की बात हो। धर्म और आस्था से ऊपर है जिसका नाम है सूर्य। जब तक सूर्य है तब तक हमारा जीवन का अस्तित्व है, और अगर हम सूर्य के अस्तित्व को किसी सप्तमी के रूप में या किसी पर्व के रूप में मनाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है कि जी सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो हमारे पृथ्वी पर जो पड़ती हैं वो पड़ती हैं 90 डिग्री के हिसाब से, जिसकी वजह से हमारे अंदर शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है। मनुष्य चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो अपने निर्णय लेने की क्षमता और खास तौर पे जो कर्म करने की जो इच्छा होती है उसके प्रति प्रवृत्त होता है। तो ज्योतिषियों का ये मानना है कि सूर्य सप्तमी की अगर पूजा की जाती है, देखिए मैं धर्म से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात जी कर रहा हूं लॉजिकली, चूंकि अभी अमितोष भाई ने भी बोला, अभी खान साहब ने भी बोला, मैं दोनों की बातों से सहमत भी हूं, लेकिन विरोध करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध अगर आप जाकर बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए विनाश का कारण बनेगी। जी और जब जब भी किसी देश ने या किसी भी धर्म ने या किसी भी अन्य प्रकार के संप्रदाय ने इस प्रकार का विरोध किया है तो उसका विनाश होना संभव है। अब वो चाहे ठीक है हिंदू ने किया हो, चाहे मुस्लिम सम्प्रदाय ने किया है, बौद्ध सम्प्रदाय ने किया है या जैन सम्प्रदाय ने किया है, मेरा यह मानना है बीइंग ए ज्योतिषी कि सूर्य सप्तमी की पूजा करने से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का संवहन होता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और खास तौर पे हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रकाश इस तरीके से हमारे जीवन में प्रकाश डालती है, जिससे कि हम अपने जीवन को ऊर्जायमान बना के रखते हैं, जी और खास तौर पर हम एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है, चाहे वो बुरा है या अच्छा है, उसके लिए भी सूर्य कारक माना जाता है। ठीक तो है ज्योतिष का ये मानना है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान भी है, और विज्ञान का ये मानना है, ज्योतिष विज्ञान का भी ये मानना है कि सूर्य सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक सूर्य की हमारे द्वारा आराधना नहीं की जाएगी, चाहे वो कुरान के माध्यम से हो, चाहे हिंदू धर्म के माध्यम से हो, चाहे बौद्ध धर्म के माध्यम से हो, सूर्य की पूजा करने से मनुष्य की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका विकास होता है। चाहे हम योगासन करें, चाहे हमारे द्वारा कुरान की आयतें पढ़ी जाएं, जी चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे के द्वारा किसी प्रकार की मान्यता को इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ, वो अलग बात है कि कांग्रेस या बीजेपी इस पर अपनी क्या राजनीतिक दृष्टिकोण रखती है, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है लेकिन मेरा ऐसा मानना है बसंत के महीने में 14 या 15 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के लिए, खास तौर पर पूरे विश्व के लिए, पूरे संप्रदाय के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश करता है, ठीक है जिसका हमारे को स्वागत करना चाहिए। चाहे हम उसके लिए योग करें, चाहे सूर्य नमस्कार करें, चाहे कुरान की आयतें पढ़ें, या बुद्ध के धर्म के हिसाब से जो भी पूजा पाठ की जाती है वो करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार का विरोधाभास करना ठीक है बेवकूफी वाली बात है। मेरा इस सीधा सा मानना यह है, बींग एस्ट्रोलॉजर और बींग ए ज्योतिष विज्ञान का एक मेरे द्वारा कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल का अनुभव है। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार का विरोधाभास करना बेवकूफी से भरा हुआ है, चाहे वो ठीक है बीजेपी डॉक्टर हो, अमित, चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक हाँ, है वो अलग बात है कि बीजेपी ने इसको अपना एजेंडा बना रखा है और कांग्रेस ने अपना इसको प्रेस्टीज इशू बना रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में विरोधाभास हो रहा है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि अगर समाज का विकास करना है, धर्म का विकास करना है या मनुष्य की विकास करना है, तो आपको सूर्य के अस्तित्व को नकारना बेवकूफ से भरा माना जाएगा। ठीक है सूर्य डॉक्टर के अमित, ठीक अस्तित्व है को नकारना कहीं ना कहीं हमारे विनाश का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है यही नितिन मेरा जी, एक ठीक बहुत है बड़ा तर्क है। डॉक्टर अमित, ठीक है नितिन जी, मैं देख रही थी आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं विकास सोमानी जी से जानना चाहूंगी, हिजाब विवाद तो ठीक है, सरकार ने तर्क दे दिया कि यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य नमस्कार क्यों सब पर थोपा जा रहा है? देखिए भी डॉक्टर अमित व्यास जी कह रहे थे कि जो आवास हो रहा है, आप देखें
कि आफ्ताब से मेहताब है और आफ्ताब से मेहताब होता, आप जो सूरज की जो रोशनी है, उन रोशनी सूर्य नमस्कार जो कर रहे हैं हम, आप देखिए जब ये मैं काशी भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम जब है चांद देख के ईद का त्यौहार मनाते हैं, तो आप देखिए कि सूर्य चांद जो भी यहाँ जो इस धरती को जो प्राकृतिक जो है वो जो चल रहा है जीवन सभी का, उसमें सूर्य नमस्कार करके अगर मान लो इस तरह की योगिक क्रियाएं की जाती है तो ये राजनीतिक मुद्दा बनने का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये विषय है कि राजनीति मुद्दा बनाने के लिए भी हमारे व्यास साहब भी कह रहे थे कि ये कांग्रेस या बीजेपी इसको बीजेपी एजेंडा बना रही है। बीजेपी एजेंडा नहीं बना रही है, बीजेपी छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य हो सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब, वो लगातार इस कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं उनका एक योगी क्रिया अच्छे से हो, और उनके आप देखें कि इस विद्यालय के अगर यदि किसी शिक्षक का अनैतिक आचरण भी पाया जाता है या किसी खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, तो कार्रवाई अगर मान लो बुलडोजर चलानी पड़े या कुछ इस तरह की अनैतिक आचरण में घटनाएं भी होती है, तो आप देखिए उनका कर्म माननीय मदन दिलावर साहब की कर्मठ था कि छात्रों के प्रति कि स्कूलें और जो विद्यालय का जो एक वातावरण बहुत अच्छा बने। और सूर्य नमस्कार की जो बात करना चाह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार में मैं किसी धर्म से कोई किसी जोड़ नहीं रहे हैं, और योग क्रिया को लगभग 180 देशों ने स्वीकार किया है कि आज भारत की जो है भारत शुरू से ही विश्वगुरु रहा है, आज भी विश्वगुरु है ऐसा नहीं है। पर जो बात इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं, आप देखें हाई कोर्ट ने जब इस बात को माना कि कोई छात्रों की कोई संस्था नहीं आ रही है, जमीयत उलेमा या वो जो मुस्लिम जो बोर्ड आया है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, हम किस तथ्य पे इस बात का विरोध मान रहे हैं? कोई मुस्लिम संस्था या कोई संस्था सामने आती है या कोई स्टैंड करते हैं, अब एक जरूर कुछ संगठन और आने लगे, उनकी डेट आगे दे दी गई है। तो ये आप विद्यालय में वर्षों से हम प्रार्थना बोल रहे हैं, हम माँ सरस्वती के सामने पूजा कर रहे हैं, छात्र जो एक भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म एक सनातन धर्म एक संस्कृति है, और इस संस्कृति को जैसे भारत जैसा विश्व देश में या सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आपको काजी जी पता होगा कि एक जमाने में जब राम राम कहते थे और सलाम कहते थे तो मुसलमान हिंदू या ईस्ट मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो एक समन्वयता थी, जो उस समन्वयता को अगर आप इस तरह से तोड़ेंगे या इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कांग्रेस जो कर रही है, मैं समझता हूँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप कई प्रक्रिया जीवन में हम रंगों को बांटेंगे राजनीतिक रूप में, हम क्या यौगिक क्रियाओं को बांट देंगे, हमारा उठना बैठना हमारा नमाज पढ़ना किस किस प्रकार की क्रिया, क्या सभी क्रियाओं को हम जो एक इस तरह से विवाद का विषय बनाएंगे? ये कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस कहीं उनको हवा में उछाल देते हैं और इस मुद्दे को बना देते हैं, जबकि आप बताएं कि मुद्दे उछालने वाले ऐसे कोई वहां है भी नहीं। और वर्षों से जो सबका प्रेम है, आज देखो यूएई में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां राम मंदिर का वो वहां गए हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो देश में एक जो एक समन्वयता बन रही है, जो ये भारत जो सभी धर्मों को साथ लेने की जो परंपरा बना रहे हैं, उस परंपरा में जिस प्रकार की ये इस तरह के विषय जो ला रहे हैं, ये कांग्रेस कुछ लोग ला रहे हैं, अरे कोई विषय भी ला रहे हो तो उनके लाने के पीछे कोई छात्रों का कोई संगठन होता है या कुछ समझ में आती है तो उस बात का विवाद भी होता, विवाद कौन कर रहा है? ये व्यास जी देख रहे हैं कि विवाद कौन कर रहा है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बैठे वो देख रहे हैं, और मैं इनको भी कहना चाहूंगा काशिप साहब को देख रहे हैं सब चीजों को, कोई ऐसा संगठन नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जब साथ रहते हैं सब प्रक्रिया साथ चल रही है, सूर्य नमस्कार छात्रों के योगिक क्रिया के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है, और शिक्षा मंत्री जी इसके लिए कर रहे हैं, इसमें कोई पूजा पाठ किसी धर्म को आहत नहीं हो रहे हैं, संविधान का अनुच्छेद 25 भी यही कहता है कि सभी धर्मों का जो है सम्मान तो करना ही है। ठीक है नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी लंबी डिबेट हुई, इतनी सारी बातें हुई, एक छोटी सी बात ये थी कि क्या सूर्य नमस्कार ही एकमात्र यौगिक क्रिया है? क्या सूर्य नमस्कार अगर ऐच्छिक हो जाता है तो सूर्य के अस्तित्व पर नकार दिया जाता है? क्या सूर्य नमस्कार को केवल एक यौगिक क्रिया को ना करना सूर्य को के अस्तित्व को नकारना है? मुझे लगता है कि अमित व्यास जी दूसरों पे हंस रहे थे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुझे हंसी उनके ऊपर आ रही है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई करता है तो अन्य राज्यों को विनाश जाता है, तो बीजेपी जो एक संविधान एक विधान की बात करती है वो अन्य पड़ोसी राज्य में बीजेपी की किसी भी सरकार में आप मुझे एक सरकार का नाम बता दीजिए जहां ये कंपलसरी हो, तो क्या अन्य राज्यों को विनाश के दौर विनाश के उस पे लेके जा रही है? क्या देश में वो 10 साल से कंपलसरी नहीं किए? अरे संविधान से ऊपर उड़ जाएंगे आप, नितिन जी आप बात बोल रहे हो, जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जब कोई आप संविधान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? संविधान सबसे सर्वोपरि है, जैसे संविधान संविधान के अनुसार चलेंगे आप अपनी मनगढ़ंत भाषाओं से चलोगे? आप जब संविधान के अनुसार आप चलेंगे, संविधान के अनुच्छेद को मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी गीता आज की तारीख में तो भारत का संविधान है, संविधान में बात कीजिए ना, आप फैक्ट्स में बात कीजिए, आप शास्त्र इतिहास की बात कर रहे हैं पर देश तो संविधान में चल रहा है ना, संविधान में अगर हाई कोर्ट में आप लग रही आपकी याचिका है तो आप उसको स्टैंड करिए, आप किस तरह से करके बोलिए, ऐसे हमारे दर्शकों तक कोई संदेश नहीं जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको ऐच्छिक कर दिया जाता कि सूर्य नमस्कार के अलावा बच्चे और योगी क्रिया करते हैं,
ठीक है काशिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब मुस्लिम समाज ने क्या फैसला लिया है, कल से सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, क्या मुस्लिम बच्चे भी सूर्य नमस्कार करेंगे या नहीं? देखिए बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि मुस्लिम समाज क्या फैसला लेता है कि मुस्लिम समाज के जो मोतबर लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। मैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट गया हूँ तो मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि ये जो भाई साहब अभी बता रहे थे कि राइट टू आर्टिकल के अंदर राइट टू प्रोपोगेट है, राइट टू प्रैक्टिस है, राइट टू, इन्होंने एक चीज नहीं बताई, ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 वो भी कहता है, वो चीज नहीं बताएंगे। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं, मुझे नहीं मानना है, मैं सूर्य को देवता नहीं मानता हूँ, मैं सूर्य की आराधना नहीं करता हूँ, मैं फैसला करूंगा सरकार करे। पहला सवाल, दूसरी 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 बात, दूसरी सुन ले साहब, बीच में ना बोले, दूसरी बात आर्टिकल 25 को डीपली पढ़ते डीपली पढ़िए साहब, सुन लेते नहीं बोला था, चुपचाप बैठिए, आप से नहीं करेंगे, जब मेरे टर्न पे अपने टर्न पे बात करेगा सही है, मतलब चुप रहिए, अपने टर्न पे बोलिएगा, नहीं आप कौन होते बताने वाले, चुप रहिए। हाँ बिल्कुल, यही बात मुझे बताने, यही दिक्कत है आपकी रेडिकलाइजेशन की, आप बताएंगे मुझे लोग, यही दिक्कत है रेडिकलाइजेशन की सर, जब फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पे बात करिए, जब आपको प्रिंसिपल्स की बात करनी है प्रिंसिपल्स पे बात करिए, आप आर्टिकल 25 में अंतरात्मा को लाके मिसगाइड मत करिए। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए आर्टिकल 25 में, अगर ये चीज ना हो तो आप पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ के आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दिख रही दिख रहा है कितना पढ़ के आए आपको, आप लोगों ने इसको रिलीजन से कनेक्ट किया, हम लोगों ने नहीं किया, आप किसने लिया, आप लोगों ने कराया, जमात इस्लामी, जमात उलमा सब कर रहे, AIPLM भी कर रही है, हम भी कर रहे सर, ये आप कर रहे, तो आप इसको धर्म से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उस पर बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कानून की भाषा समझने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 25 अंतरात्मा मूल अधिकार की बात कहां से आ गई ये बता दीजिए, और इस्लाम से कनेक्ट करने वाले लोग आप हैं, PIL लगाने वाले कोर्ट में जाने वाले लोग आप हैं, तो वो बता दीजिए कि ये इस्लाम से कैसे हो गया, इस्लाम अमितोष जी, पहले काशिफ जी को उनकी बात पूरी करने देते हैं सर, मैं आपको भी समय दूंगी, अगर ये मिसगाइड करेंगे आर्टिकल लॉ की बात करेंगे तो फिर लॉ की सही बात करें, ठीक है, नहीं नहीं करने देंगे ना, उनका जवाब नहीं है आर्टिकल 25 आप नहीं दे पा रहे, काशिफ जी आता है, अमितोष जी मैं आपके पास भी आऊंगी, काशिफ जी अपनी बात पूरी कीजिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइसेंस आता है कि मैं किस तरह अपने आराध्य को मानूंगा ये मैं तय करूंगा, ना कि सरकार तय करेगी, बहुत बुरा लग रहा है इनको सरकार को बुरा कह रहा, लेकिन इनको सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आराध्य कहां से हो गया पहले वो बता दीजिए, आपका आराध्य है ना सूर्य देव, मेरा तो नहीं है, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, सूर्य नमस्कार तो योग प्रैक्टिस है ना, ये तो आप भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये तो नितिन जी भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, अमित जी भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो आराध्य से कहाँ जुड़ गया, तो योग एक प्रैक्टिस है, नहीं नहीं तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या, आपने बोला कि मूर्ति की पूजा करें, यही बोला तभी क्या है साहब, और ये तो आप ही के काशिफ जी, सूर्य के धूप मुस्लिम लोग नहीं लेते हैं क्या, अरे भाई साहब, भाई साहब हदिया के अंदर एक लफ्ज दिखा दीजिए जो ये कहता हूँ कि पूजिए, ये कायली की हसीमत है यहाँ पे, आपके पास जवाब नहीं, मैंने कब कह दिया, मेरे साथ सम्मानित कांग्रेस प्रवक्ता हमारे ज्योतिषी आचार्य अमित व्यास जी, हर जना समझ रहा है कि यो भी प्रैक्टिस है, आप उसको आराध्य से कहां जोड़ रहे हैं बता दीजिए, झूठा एलिगेशन लगाएंगे, मैंने कब कह दिया योगी प्रैक्टिस है, अच्छा ये योगी प्रैक्टिस नहीं मानते आप इसको, आपने शुरू में नहीं बोला, एक आखिरी कमेंट आप सभी से ले लेती हूँ, विकास सोमानी जी एक आखिरी कमेंट, विकास सोमानी जी, मैं अभी देख रहा, मैं बार बार इनके संविधान के जो आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, राइट टू, मतलब आप देखिए राइट टू एक्सप्रेशन मान लिया या राइट टू हेल्थ है, जो भी मतलब जो भी एक जो संविधान बने उसका मतलब ये तो है नहीं कि प्रार्थना चल रही है आप बीच में बोलना शुरू कर दोगे राइट टू एक्सप्रेशन है साहब, मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा, डिसिप्लिन स्कूल में नहीं करूंगा और बीच में बोलना शुरू कर दूंगा, या कोई भी अगर मान लो संविधान का अनुच्छेद है, तो एक डिसिप्लिन जो स्कूल में चलता है, जो छात्रों में चलता है, और जिस तरह से जो प्रक्रिया की जा रही है, आप संविधान जो दे रहा है वो सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, लेकिन यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन या विद्यालय या स्कूलों में अगर उसके लिए कोई आदेश जारी किए जाते हैं जो छात्रों के हित में है, तो मैं समझता हूं उसकी पालना करने के लिए कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम चला रहा है। आप बताइए काजी जी, वर्षों से हम प्रार्थना बोल रहे हैं, तो फिर हाथ जोड़ना भी ये भी हो गया, फिर आप अगर इस तरह से आप कहेंगे ये तो अभी तत्कालिक इस तरह के विवाद खड़े करते हैं, प्रार्थना में सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, स्कूलों में तो सब खड़े अभी विकास जी,
नियम नहीं थोपा जा रहा है, ये देखिए आप भी बात समझ आता है, सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश बीजेपी सूर्य नमस्कार एक जो प्रक्रिया है जो विद्यालय में चलने के लिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ठीक है। देखो सारे शिक्षक होते हैं तो वहाँ इसीलिए होते हैं कि पीटी एक्सरसाइज कोई भी किया जाए उसमें कोई मंत्रोच्चार या किसी प्रकार का पूजा पाठ का काम तो होने रहा है जिससे किसी का धर्म ये हो रहा हो, उसमें सिर्फ एक जो है योग क्रिया है और सूर्य नमस्कार की क्रिया है। मैं जानता समझता हूँ इसमें किसी प्रकार का धार्मिक विवाद होना नहीं चाहिए। जब 180 देश को स्वीकार कर रहे हैं विभिन्न जाति विभिन्न समाज विशेष संप्रदाय के लोग और सब स्वीकार करते आ रहे हैं इस चीज को, तो इसमें ये इस बात को ये नहीं कि इसको धर्म, आप मुझे बताइए धर्म में कोई आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं या कोई बच्चे नहीं करना चाहते उन्हें छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है विकास जी? अगर मुस्लिम समाज नहीं करना चाहता है उनको तकलीफ है तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ना चाहते हैं तो देखो विद्यालय एक डिसिप्लिन से चलता है और डिसिप्लिन में चलना, अगर मान लो कल बच्चे कहेंगे हम ये भी नहीं करना चाहते हम वो भी नहीं करना चाहते तो ये चलता नहीं है। इससे अगर कोई धार्मिक भावना है कौन सी आहत हो रही है आप इस बात का जवाब दें। इस तरह तो स्कूल में एडमिशन करना चाहेंगे तो हर धर्म अपनी बात करना चाहेगा कि साहब तो फिर देश को एक एडमिशन विद्यालय को चलाना तो होगा ना, कैसे चलेगा जब सभी समाज सभी संप्रदाय ये कहना चाहेंगे अब ये मत करो वो मत करो तो ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल जो विद्यालय के जो हित की बात हो चली जाएगी, सांप्रदायिक धार्मिक रंग देना उचित नहीं। देखिए मैंने लगातार कहा कि दोनों तरफ से, अब ये विकास सोमानी जी कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार एक योगिक प्रक्रिया है कई सारे योगासन के अंदर, मैं कह रहा हूं हमारे बहुत सारे खेल हैं, कल से बोल दिया जाए कि गोल्फ खेलना जरूरी है और ये कहें कि केवल गोल्फ से ही विकास होगा गोल्फ से ही स्वास्थ्य वर्धन होगा, अरे गोल्फ से भी होगा बात, बहुत सारे खेल है, आप योगिक क्रिया में बहुत सारे नाम है बहुत सारे योगासन है आप कुछ करवा दीजिए। केवल आज कोटा में 20 दिन में 4 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, कोटा में 20 दिन में 4 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, इनके लिए तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्ति पाइए, गांधी जी इनको बोलिए। नितिन जी, जब गहलोत सरकार थी कोटा में बच्चे तब भी आत्महत्या करते थे और कोर्ट की ओर से ये फैसला सामने आया था कि ये ठीक है, कोर्ट का ये फैसला था कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, परिजनों की ओर से जब प्रेशर बनाया जाता है इस वजह से बच्चे आत्महत्या करते हैं। नितिन जी अमितोष जी ठीक है, नितिन जी ठीक है, अमितोष जी जी मैम क्या कहेंगे सर, आखिरी कमेंट मैं सबसे ले रही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं पुनः से जो कह रहा हूँ बात वो मैं वही कह रहा हूँ, सबके तर्क और वितर्क अपने अपने हो सकते हैं, एक योगिक प्रैक्टिस को योगिक की तरह ही रहा जाए, एक विकास के लिए और पीस के लिए और प्रिंसिपलिटी के नाम पे रखा जाए, उसको इस्लाम से नहीं जोड़ा जाए क्योंकि उसे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा जब विद्यालय में आता है तो अपने के लिए कनेक्शन हमेशा विजडम और नॉलेज से ही रहा है, ये हर तबका हर धर्म हर मजहब हर उसमें रहने वाले व्यक्ति ने इसको माना है। मुझे लगता है इसका इस्लामीकरण ना करा जाए, तालिबानी बातें ना करी जाए, बच्चा विद्या के लिए आता है और विद्या का मेन अटेंशन अगर योगा पूर्ण होता है उसका मानसिक संतुलन बढ़ता है तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए ना कि उसका इस्लामीकरण करना चाहिए। ठीक है काशिफ जी आखिरी कमेंट। बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंचमेंट है और हाईकोर्ट ने इसकी चुनौती दी है और देखिए जिस तरह सरकार पहले पीछे भागी थी इस बार भी सरकार को पीछे भागना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अमित। देखिए मैडम ऐसा है इन सब लोगों की बातें सुनी मैंने, कभी फंडामेंटल राइट की बात आती है कभी संविधान की बात आती है कभी अमितोष जी बोलते हैं कभी खान साहब बोलते हैं कभी दूसरे व्यक्ति भी बोलते हैं। मैं हंसा सिर्फ इसलिए था कि जिस ग्रह को सारी दुनिया मानती है चाहे मुसलमान, उसको लेकर अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी विधा बताई है चाहे वो सूर्य नमस्कार के रूप में हो चाहे किसी और अनविधा के रूप में है, तो अगर उसको अगर हम लोग करते हैं हमारे शरीर का विकास होता है हमारे मानसिक विकास होता है और खास तौर पर हमारे स्टूडेंट का बौद्धिक विकास होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट कहाँ आते हैं, कहाँ पर किस प्रकार का ये संविधान लागू हो जाता है, कहाँ पर ये मुसलमान हिंदू धर्म फलाना धर्म ये सब धर्म लानी चलता है। ठीक है सीधी सी बात है ज्योतिष ये कहता है कि सूर्य जब तक है तब तक पूरा विश्व है पूरा अंतरिक्ष है, सूर्य नहीं है तो सब चीजें बेकार है। अब रही बात सूर्य नमस्कार की तो सूर्य नमस्कार करना कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने आप को
को थोड़ा सा जस्टिफाइड करने के लिए ठीक एक है तरीका ठीक है अख्तियार किया है, ठीक है लेकिन योगिक क्रिया के अनुसार योग ये ठीक कहता है है डॉक्टर अमित। कि किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे चंद्रमा की हो, या मंगल ग्रह की हो, या ठीक है किसी बहुत अन्य ग्रह शुक्रिया आप की सभी हो, मेहमानों का हमारे साथ सभी जुड़ने के प्रकार। लिए। तो अब सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है, विवाद शुरू हो गया है। हालांकि सूर्य अपनी रोशनी अपनी धूप देने से पहले किसी का धर्म नहीं पूछता है। बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।